हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 18th मई के कुछ का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स निकालिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए, तो माइनस टू ऑलरेडी है, 1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, सी आपका कितना है, माइनस 1, और ए 1 है। अब मैं इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, हमारा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्केयर, a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये मैंने a प्लस बी का होल स्केयर को शिफ्टिंग किया है, क्यों, क्योंकि मुझे ये सब दिया हुआ है। तो 2 का स्केयर कितना हुआ, 4, और ये माइनस 2 माइनस अल्फा बीटा है, तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, देखिए कैसे। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्केयर, क्या होता है, ए अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, जो कि कितना है, 6 है, माइनस 2 इंटू अल्फा, तो ये हो गया आपका 8। अगर आप इसका स्केयर रूट हटा देंगे, मतलब स्केयर हटा देंगे, तो स्केयर रूट हो जाएगा 2√2। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक मुझे चाहिए अल्फा, सम ऑफ रूट पहले से ही था 2, और दूसरा मैंने निकाला अल्फा माइनस बीटा 2√2। अब आप सब्स्टिट्यूशन कीजिए, ये हो गया 2 अल्फा, 2 कॉमन ले लो, √2 + 1, दैट मीन्स अल्फा आ गया आपका 2√2 + 1। सिमिलरली यहां से इसमें डाल दीजिए वैल्यू, तो बीटा भी आ जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा 2, और माइनस √2 - 1, तो बीटा आपका फाइनल माइनस √2 + 1, दैट मीन्स बीटा 1 - √2 हो गया। जब आपका अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, जो आपको गिवन दिया है उसमें हम पुट कर देते हैं। आपको दिया है 5, सबसे पहले अल्फा की पावर 4 निकालते हैं, अल्फा की पावर 4 क्या हो जाएगा, स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर, तो अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा निकला √2 + 1, स्क्वेयर का स्क्वेयर निकाल देते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू ए बी √2, फिर से उसका स्क्वेयर करना है, तो ए स्क्वेयर 9, 2√2 = 8 प्लस 2 इंटू ए बी, हो गया 12√2, हो गया 17 + 12√2। अब मुझे निकालना है बीटा की पावर 3, तो बीटा की पावर 3, बीटा कितना है 1 - √2 की पावर 3, तो इट मीन्स ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो गया माइनस 3a² b + 3ab² ठीक है। ये सॉल्व कर दिया मैंने, तो ये हो गया माइनस 5√2 + 6 और 1 = 7। तो अब देखिए, अब आपके पास जो गिवन दिया है 5 अल्फा की पावर 4, तो अल्फा की पावर 4 मेरा क्या निकला है 12√2, ठीक है, प्लस 12 बीटा की पावर 3 माइनस 5√2 + 7, तो फाइनल 17 × 5 = 85, 12 × 5 = 60√2 - 60√2 + 84, ये कैंसल आउट एंड ये ऐड कर लीजिए, ये हो गया 169 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है आपका, ए दिया है, ऑर्थोगोनल है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक ए इक्वल टू ए डैश अगर हो तो सिमेट्रिक होगा, और ये नॉन सिमेट्रिक ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश हो, और ऑर्थोगोनल ए मल्टीप्लाई ए डैश कितना होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे करना है, फिर ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रोज में चेंज कर दो, क्लियर। तो अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, कैसे है, ए ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई आप करिए, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ए लिख रही हूं मैं, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई ट्रांसपोज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो फर्स्ट कॉस केयर थीटा, ये हो गया कॉस केयर थीटा,
और माइनस ये प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट ये और आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। आई थिंक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ रहा है क्योंकि लग ही रहा है कॉस थीटा साइन थीटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो गया ये आपका जीरो, दैट मीन्स जीरो वन जीरो जीरो वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका वन होता है। तो ही आ गया आपका ऑर्थोगोनल, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी इक्वेशन है और ए बी की वैल्यू क्या आएगी। देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी ये हो जाएगा एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर माइनस कॉमन ले लो यहां से तो ये ऐसे हो गया, साथ में एलसीएम भी आ जाएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूं माइनस ए एक्स स्क्वायर इसको इसके साथ, ठीक है मल्टीप्लाई कर रही हूं, माइनस ए एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस बी एक्स और माइनस बी, तो ये हो गया ऐसे। अब क्या करना है, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लीजिए तो क्या है वन माइनस ए, अब एक्स वाले देखिए ये वाले तो यहां से भी माइनस एक्स कॉमन लीजिए तो अंदर ए प्लस बी और लास्ट वन माइनस बी, क्लियर ओवर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तब तक जब तक मैं इसको क्या ना कर दू जीरो ना कर दू, क्यों, क्योंकि न्यूमिनेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से क्या है मेरा ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा वन माइनस ए को जीरो पुट करना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अनलेस वन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से ए कितना आ गया आपका वन आ गया, ए वन आ गया और बाकी ऊपर आपको ये तो जीरो हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये वाला जो है जीरो हो गया। अब इतने में लिमिट पुट कीजिए माइनस, पहले लिख लेते हैं जीरो माइनस एक्स वन प्लस ए की वैल्यू डाल देते वन प्लस बी और प्लस वन माइनस बी ओवर एक्स प्लस वन। तो अगर मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूं x से, क्यों, क्योंकि मुझे ये x यहां से हटा देना है, तो क्योंकि ये आपका देखिए x से अगर डिवाइड करूंगी तो ये कैंसल आउट हो गया यहां, लेकिन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी माइनस वन प्लस बी, बाहर x था वो कैंसल आउट हो गया क्योंकि मैंने डिवाइड किया, प्लस वन के साथ वन बाय एक्स और बी के साथ भी बी बाय एक्स की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी किया था, तो यहां भी क्या हो गया वन प्लस वन बाय एक्स, साथ में था लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिमिट की वैल्यू पुट कीजिए, ये इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में यहां भी इन्फिनिटी, फाइनल क्या बचा माइनस बी वन प्लस बी माइनस वन प्लस बी, ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका इस तरफ था इज इक्वल टू जीरो बी प्लस वन इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू माइनस वन। नेक्स्ट है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा ई साइन इनवर्स वाई, क्यों किया ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू नीचे पावर जो है वो नीचे आ गई, दैट मीन्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग के साथ ले जाइए, बस हो गया। अब क्या करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स साइन की डिफरेंशिएशन cos x, x फिलहाल log x है तो फिर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी वन बाय एक्स होगी कि नहीं, हो गया, और यहां पे क्या दिया था x की वैल्यू कितनी पुट करनी है वन cos log
वन ओवर वन, लॉग वन कितना होता है जीरो और कॉस जीरो कितना होता है आपका वन, तो वन इज अ फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सर्कल टचेज एक्स एक्सिस एट 5, 0, इट पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -1, इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट्स. ठीक है, और के कौन से पॉइंट से पास कर रहा है. तो देखिए मैंने ये डायग्राम बना दिया यहाँ पे, ये मेरा सर्कल है. व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, ठीक है, व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, जो आपका रेडियस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो मतलब रेडियस क्या है आपका आर है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस ए, और सेंटर मैंने एच के लिया है तो ए मेरा एच है, और प्लस वाई माइनस बी, बी के है, इज इक्वल टू ए स्केयर, तो ए भी मेरा आपका कितना है के स्केयर है. क्लियर, और के आपको पता है रेडियस के इक्वल है. तो ये एच क्या है आपका, ये गिवन दिया है 5 एक्स कोऑर्डिनेट, 5 प्लस वाई को आर ले लिया मैंने और यहां भी आर स्क्वेयर. क्लियर, इट पासिस थ्रू कौन सा, क्या कौन से पॉइंट्स दिए है, ऑल्सो 4, -1, तो 4 और माइनस वन वहां डालिए एक्स की जगह, एक्स 4 हो जाएगा और प्लस वाई कितना हो जाएगा -1 ऐसे. क्लियर है, तो अब मैं अगर फॉर्मूला खोल दूं, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वी, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कैंसल आउट, और ये आपको पता है 2r इज इक्वल टू 2, 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू -1, रेडियस कितना आ गया आपका -1. दैट मीन्स जो सेंटर है आपका वो हो गया, सेंटर के पॉइंट एच के थे तो मतलब 5, एंड एच 5 था और के कितना था r, -1. अब मैं ऑप्शन के थ्रू करूंगी. देखिए अगर आपके पास सेंटर 5 एंड -1 है तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस ए प्लस y माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया -1 है, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, विच पासिस थ्रू अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये होगा 6 एंड -1. ये अगर मैं x कोऑर्डिनेट ले लूं और ये y कोऑर्डिनेट ले लूं, यहां पे पुट कर दूं, यहां पुट कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर 0 और इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स आपके जो 6 और -1 है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, तो आपका यही आंसर होगा 6 एंड -1. आज के लिए इतना ही, डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए, बाकी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.